नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने माथापच्ची करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अपनी कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि पिछड़ों को आरक्षण देने में सभी नियमों का पालन किया गया है। ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले पर अमल के लिए आयोग का गठन भी कर दिया गया है। सरकार कोर्ट से आरक्षण देकर ही चुनाव कराने का अनुरोध भी करेगी। बता दें, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार अपना पक्ष रखेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी। सुहानी, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी मैरी, आपको बता दें, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 दिसंबर को जब इस पे फैसला सुनाया कि निकाय चुनाव जो है वो बिना ओबीसी आरक्षण के होगा, तो उसको लेकर योगी सरकार समेत जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी इस पे लगातार आरोप लगाती रही कि ये बिना निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिया था कि 4 जनवरी को इस पे सुनवाई होगा और आज सुनवाई इस पे होने जा रहा है। आपको बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाती है तो 31 जनवरी तक चुनाव होने की संभावना है, लेकिन कोई संभावना ये सत्य नहीं हो सकता है कि आपको बता दें कि 760 नगर निकाय चुनाव होने जाना है और ये संभव हो ही नहीं सकता है कि 31 जनवरी तक चुनाव हो जाए, क्योंकि चुनाव प्रचार का भी टाइम नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर योगी सरकार जो अपनी दलीलें पेश किए हैं और उनका कहना ये भी है, एक आयोग भी गठित किए हैं कि अगर ओबीसी आरक्षण के रिपोर्ट कार्ड को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में देंगे तभी 6 से 4 मंथ तक लग सकता है, तो ऐसे संभावना ही नहीं है कि 31 जनवरी तक चुनाव हो जाए। अब देखा ये जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना आज क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष पार्टी है वो भी सुप्रीम कोर्ट गई है। आप बता, सपा की जो पार्टी है वो 6-7 लोगों की ग्रुप बना के, जो राम सिंह पटेल, उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दिया है और अपना केस भी वहां पे लगाया है कि बिना जो ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होना चाहिए, और योगी सरकार ने भी अपना सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई है। तो इन सबको देखते हुए अभी देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला आज सुनाएगी। सुहानी, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, वहीं प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, तो सरकार अपना क्या कुछ पक्ष रख सकती है? जी मयूरी, आपको बता दें कि योगी सरकार का यही कहना है कि 1993 से जो है कि वो रैपिड टेस्ट के फॉर्मूला ही अपनाया जा रहा है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट दलील को स्वीकार ना करते हुए ट्रिपल टेस्ट का जो आदेश दिया है कि अगर ट्रिपल टेस्ट करा के आप अगर ओबीसी आरक्षण चुनाव कराना चाह रहे हैं तो हो सकता है, नहीं तो आप 31 जनवरी तक चुनाव कराइए। लेकिन आपको बता दें कि ट्रिपल टेस्ट कराने में 6 से 4 महीने लग सकता है और ये लंबा वक्त हो सकता है, और ये अगर ट्रिपल टेस्ट होगा तो जून जुलाई तक ये जो है चुनाव जा सकता है। तो योगी सरकार भी कहीं ना कहीं इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और साथ ही विपक्ष पार्टी भी इसके खिलाफ हो, तो इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट ही अपने मामला लेकर गए हैं। अब देखते हैं कि आज 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। सुहानी, सरकार ने कहा है कि सरकार द्वारा ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है, रिपोर्ट आने के बाद निकाय चुनाव कराए जाएंगे। जी मयूरी, आपको बता दें कि जो योगी सरकार, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तभी से केशव प्रसाद मौर्य ने बोला कि हमको फैसला सुनते ही हमने एक आयोग गठित किया, जो कि ये 6 महीने का आयोग है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो राम अवतार सिंह हैं, और वो बोले थे 6 मंथ में अगर ओबीसी आरक्षण पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड देगा और ये रिपोर्ट कार्ड हम जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे और उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और देखते हैं कि, लेकिन
लेकिन रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी खुद राम अवतार सिंह का कहना है कि जो रिपोर्ट कार्ड हम तैयार करेंगे उसमें 6 से 4 महीने लग सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है यही कि ये जो चुनाव हो 31 जनवरी तक होना संभव ही नहीं है, ये चुनाव जून या जुलाई तक जा सकता है। जी धन्यवाद सुहानी तमाम जानकारियों के लिए। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच यूपी सरकार ने कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए कहा है। शहर में एक बार फिर टीकाकरण अभियान तेज होगा। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से कोविड वैक्सीन मांगी है। वैक्सीन आने के बाद सभी केंद्रों पर शुरू होगा वैक्सीनेशन। बता दें कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की बात कही है। जल्द तेजी से अभियान शुरू किया जाएगा, एक बार फिर से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। बता दें कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। प्रदेश में कोविड वैक्सीन मंगाई गई है, जल्द तेजी से अभियान शुरू किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए कहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए मयूरी, कोविड वैक्सीनेशन के लेकर कवायद जो है अब तेज हो चुकी है। जो नया वेरियंट है वो अब धीरे धीरे अपने पाँव पसार रहा है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि चीन और अमेरिका जो है कोविड के नए वेरियंट से त्रस्त है, और भारत में भी जो है अब केसेस नए वेरिएंट के मिलने शुरू हो गए हैं। अगर अमेरिका के नए वेरिएंट की बात करें तो XBB.1.5 जो गुजरात में पहला केस मिला है, और उन्नाव और आगरा में चीन वेरिएंट के जो दो केसेस मिले हैं। इसके बाद से सरकार ने जो है एहतियातन जो है सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। कई अस्पतालों में मॉकड्रिल चलाए गए, कोरोना के प्रबंधन की जाँच को देखा गया, कई प्रकार की चीज़ें हुई, व्यवस्थाओं को देखा गया, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था को देखा गया, वैक्सीनेशन की व्यवस्था को देखा गया। इस प्रकार से सभी चीज़ों को देखने परखने के बाद इस मुद्दे पे आके सुई टिक जाती है सरकार की, तो वैक्सीनेशन जो है वो अब पहले की दिशा में उतनी तेज़ी से कार्यरत नहीं हो रहा है। अगर बात की जाए तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दो ऐसी वैक्सीन थी जो लोगों में ज़्यादा मात्रा में लगी थी, लेकिन इस समय कोविशील्ड की जो है कमी जो है वो देखी जा सकती है। सिर्फ कोवैक्सीन वैक्सीन ही हर जगह पे अवेलेबल है। ऐसे में जिन लोगों को पहला या दूसरा डोज कोविशील्ड का लग गया है, उन्हें तीसरा यानी बूस्टर डोज भी कोविशील्ड का ही लगना है। ऐसे में उन लोगों के वैक्सीनेशन में देरी हो रही थी, जिस प्रकार से यह आदेश आया है वैक्सीनेशन जो अब तेज़ी से होगा, और सारी खेप जो है वैक्सीनेशन की हफ्ते भर के अंदर जो है आ जाएंगी, और जो टीकाकरण अभियान है उसको तेज़ी बरती जाएगी। लोगों को टीकाकरण किया जाएगा जिनकी दूसरी डोज अभी बाकी है या फिर बूस्टर डोज अभी बाकी है, चाहे किसी भी वैक्सीनेशन की हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक हो, सबको जो है वो वैक्सीन अब लगेगी, ताकि लोगों पर टीकाकरण जल्दी हो सके, और जो नया वेरियंट कोरोना का आया है उससे ये लड़ने में धारदार हथियार साबित हो सके। विवेक, जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ अभी कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, और जो सरकार से वैक्सीन मांगी गई है वो कब तक मिलने की उम्मीद जताई जाए? देखिए, एक हफ्ते के अंदर जो है, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है ये वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जो वैक्सीनेशन सेंटर अभी बनाए गए हैं वहाँ पे जो अभी स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन उपलब्ध है वही वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है, तो इस समय में वही लोग वैक्सीनेटेड हो पाएंगे जिन्होंने उस वैक्सीन का इस्तेमाल अपने फर्स्ट या सेकेंड डोज में किया है। अगर उन्होंने अपने उस वैक्सीन का इस्तेमाल फर्स्ट या सेकेंड डोज में नहीं किया है तो ऐसे लोगों को अभी थोड़ा और जो है एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा कि जब वैक्सीनेशन की नई खेप आएगी उस समय उनका वैक्सीनेशन हो पाएगा।
विवेक, कोरोना के कहर को देखते हुए शहर में एक बार फिर से टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाएगी, तो ये कितनी बड़ी चुनौती रहेगी कि हर एक तक वैक्सीनेशन पहुंचाना? बात करें तो हमने इसको झेल चुके हैं। हम कोविड को सारी प्रक्रिया हमें मालूम है वैक्सीनेशन की क्या है। इसके पहले तो करोड़ों लोगों का टीकाकरण अभियान जब करना था तो चुनौती काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी देख सकते हैं कि जो सरकार के पास डेटा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हैं। अगर बात की जाए तो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो उस चुनौती को हम पार कर चुके हैं। इस बार जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो या तो सेकेंड डोज के लिए होगी या तो बूस्टर के लिए होगी, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो 18 साल की आयु पार कर चुके हैं, उन्हें वैक्सीन लगानी है। तो इस बार वैक्सीनेशन करने वालों की संख्या जो है पहले की तुलना में जरूर कम है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की भी बात हो, क्योंकि कई बार हम ऐसा देख चुके हैं कि वैक्सीनेशन का कुछ जगह साइड इफेक्ट मिलने की भी खबरें आ रही हैं, जिससे लोग वैक्सीनेशन कराने में कतरा भी रहे हैं। तो उन लोगों को जागरूक करना होगा, ऐसे लोग को बताना होगा कि क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, कि वैक्सीनेशन से किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं है। उसके बाद वैक्सीनेशन, उन लोगों को जागरूक करने के बाद सभी का वैक्सीनेशन कराना होगा। तो जागरूक करना ही एक बड़ी चुनौती है, जबकि वैक्सीनेशन करने को चुनौती नहीं बल्कि वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना एक ज्यादा चुनौती साबित होगा। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। जाएगी कोरोना को लेकर सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश में कोविड वैक्सीन मंगवाई गई है। यूपी में कड़ाके की ठंड जारी है। बढ़ते कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कानपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिन का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 13.4 डिग्री पर आ गया है। इसी तरह न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की कमी आई है, पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह शीतलहर जारी रहने की संभावना है, जिससे दिन और रात के समय ठंडक तेज रहेगी। आज से पहले साल 2010 की 2 जनवरी को दिन का पारा 12.4 डिग्री सेल्सियस था, इसके बाद अब जाकर इतना जाड़ा पड़ा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है और दूसरी तस्वीर कानपुर से है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं घना कोहरा छाया हुआ है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, गाड़ियों की आवाजाही की रफ्तार भी कम हुई है। दूसरी तस्वीर कानपुर से है, देख सकते हैं कानपुर में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घना कोहरा छाया हुआ है, ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। बता दें लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोहरे और धुंध से लोग परेशान हैं। कानपुर में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है, ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हुई है, लोगों की आवाजाही में भी कमी आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धुंध और घना कोहरा नजर आ रहा है। यूपी में कड़ाके की ठंड जारी है, बढ़ते कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे और कानपुर से संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ेंगे। पहले हम रुक करेंगे कानपुर से उपेंद्र अस्थाना का। उपेंद्र, आप कानपुर में मौजूद हैं, लगातार ठंड अपना कहर दिखा रही है, वहां से कैसी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? जी, अगर देखा है तो मौजूद भी पूरी तरह से कानपुर जो है वो आज तो यूपी में सबसे ज्यादा ठंड माना जा रहा है। जिला देखा है तो आस पास के जो जिले हैं जैसे कन्नौज हुआ, फरकाबाद, इटावा, उसको देखकर कहीं ना कहीं देखा तो रेड जोन अलर्ट जो है पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है और ठंड जो इतनी इस लेवल पे है कि गर्म जो है आदमी को रोड पर निकलना देर नहीं देर, कोहरा, घना कोहरा है। वीडियो के माध्यम से सब कुछ देखो टेलीविजन स्क्रीन पे कि जो देखा है तो कहीं पर किसी वक्त ट्रैफिक जो है विजिबिलिटी बिल्कुल जियो पे देखा है तो 4 से 5 की विजिबिलिटी आ गई है और कहीं ना कहीं देखा तो गलन इतनी ज्यादा पड़ गई है। पर कहीं ना कहीं देखा तो जिला प्रशासन और नगर निगम की बड़ी लापरवाही अभी नजर आ रही सामने, क्योंकि कभी किसी भी कानपुर के प्रमुख चौराहों पर देखा जाए तो अभी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जी उपेंद्र, मैं विवेक का रुख करूंगी। विवेक, लखनऊ में स्थिति काफी खराब है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे और शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए मयूरी, लखनऊ में इस बार 12 साल का जो है रिकॉर्ड टूट गया है ठंड का और जैसे ही नया साल शुरू हुआ है ठंड ने भी बड़ी ही जोरदार दस्तक दी है। कुल 35 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और कल ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 5 से 7 दिन जो है बर्फीली हवाएं का भी चलने का जिक्र किया था। तो अभी जो है इन बर्फीली हवाओं की वजह से ठंडक काफ़ी बढ़ रही है और लखनऊ में 12 साल का रिकॉर्ड जो है टूट गया है। बढ़ते हुए ठंड को देख के लखनऊ में भी जो है प्रशासन ने कई सारी कार्य किए हैं। अभी कल ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के KGMU में जाके रन बसेरे और ठंडक की जो है व्यवस्थाएं जो है मरीजों द्वारा की जा रही थी अस्पताल प्रशासन द्वारा उसको जांचा और कई जगह पे जो है मंडलायुक्त जो रोशन जैकब से लेके DM सूर्यपाल गंगवार तक उन्होंने रैन बसेरों की स्थितियों को जांचा और कंबल वगैरह बांटे। तो किस प्रकार से ये ठंड लोगों को ठिठुरने पे मजबूर कर रही है, 12 साल का रिकॉर्ड लखनऊ में टूटा है और ये रिकॉर्ड टूटने के बाद जो है जो आम जनता है उसको काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिनके पास घर नहीं है, रैन बसेरे का सहारा उनको लेना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रैन बसेरे के बाहर भी सो रहे हैं, तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। ये ठंड जो है लगातार बढ़ते ही जा रही है। मयूरी जी, विवेक, एक बार फिर से मैं उपेंद्र का रुख करूंगी। उपेंद्र, जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है, कानपुर में कैसी व्यवस्था की गई है, फिर चाहे वो अलाव को लेकर हो, रैन बसेरे को लेकर हो, कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी, अगर देखा जाए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो रैन बसेरों को लेकर जो आदेश किया गया था उस आदेश को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय था। पर कहीं ना कहीं देखा है तो रैन बसेरे में जो व्यवस्था की व्यवस्था तो पूरी उचित की गई है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो रैन बसेरा जो है उसमें भी स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। जिला प्रशासन का साफ और जिला स्वास्थ्य विभाग का आदेश है साफ साफ कि जो हार्ट के पेशेंट और जो अस्थमा के मरीज हैं वो बिल्कुल घर से ठंड में निकले ना बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उनके साथ। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जिला प्रशासन और नगर निगम जो है पूरी लापरवाही सामने नजर आ रही है। जी, एक बार फिर से विवेक का रुख करेंगे। विवेक, अगर देखा जाए जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है और कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है, तो अस्पतालों में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए मोनी, अगर ठंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे 5 ठंडे शहरों में लखनऊ 5वें नंबर पर है। तकरीबन रात जो है 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ का 3 जनवरी की रात का तापमान है। और हम बात करें कि ठंड से जो बीमारियाँ बढ़ने की बात आपने अगर कही, तो अस्पतालों में जो अस्थायी रैन बसेरे हैं उसके जो निर्देश जो है वो शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए थे अस्पताल प्रशासन ने, चाहे वो KGMU हो चाहे वो सिविल अस्पताल हो, अपने यहाँ रैन बसेरों की व्यवस्थाएँ की हैं। इस ठंडियों में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो ठंड लगने पे लोगों को काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। प्रशासन जो है अलाव की व्यवस्था की बात हर जगह कर रहा है कि उन्होंने हर जगह पे अलाव की व्यवस्था कराई है, लेकिन धरातल असल की बात यह है कि कुछ एक जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो अलाव की व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिल रही है। लोग निजी खर्चे पे अलाव अपने निजी खर्चे पे ला के जला रहे हैं और उससे राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए बढ़ती हुई ठंड की, तो कल हम बात करें अमौसी एयरपोर्ट की, तो मस्कट जाने वाली जो हवाई जहाज थी वो 15 घंटे तक लेट रही थी धुंध और कोहरों के कारण। उसके बाद वहाँ पे यात्रियों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद ट्रेनें वगैरह भी कोहरे धुंध के कारण लेट हो रही हैं। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बढ़ते ठंड
ठंड कोहरे धुंध के कारण मानव जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है, यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों का जो है स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो इस तरह से 12 साल का रिकॉर्ड जो है वो लखनऊ का टूटा है। सबसे पांच ठंडे शहरों में लखनऊ पांचवें स्थान पे है, सबसे पहले पे बरेली है, चौथे नंबर पे आगरा है। तो बढ़ती हुई ठंड से देखते हुए तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ रहा है, मानव जीवन प्रभावित हो रहा है, यातायात प्रभावित हो रहा है, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। और अस्पतालों में जो है ओपीडियां इस समय खाली मिल रही है, ठंडी के मारे सर्द के मारे जो है मरीज आना जरूर कम हुए हैं, लेकिन जो अपना पहले से उपचार करा रहे हैं उनकी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज की जा सकती है, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे उपचार कराते हैं, जो परामर्श लेने आते थे, उस समय ओपीडिया हॉस्पिटल में खाली मिल रही हैं। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। उपेंद्र आपका भी धन्यवाद। ठंड जारी है, बढ़ते कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों का जलजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। बता दें यूपी में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। जानकारी के लिए सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ेंगे। आशुतोष, लगातार ठंड का कहर जारी है, आप कानपुर में माफ कीजिएगा, आप सुल्तानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको 21 सितंबर के पहले मतलब दिसंबर की महीने में ही बता रहे आपको ठंड का माहौल शुरू हो गया था, लेकिन हल्की ठंडी का, लेकिन नए साल से 2023 लगते ही जिस तमाम लोगों की व्यवस्थाएं भी इसमें निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं जो है अलाव की व्यवस्था हो रही है और रैन बसेरे की व्यवस्था हो रही है। इससे अगर हम बात करें की कुछ ऐसे समाज सेवी है जो रेलवे स्टेशन हो गया या स्टाफ हो गया, ये जाके गरीबों को या जानवरों को या जो है और कोई जरूरत चीज मंदों को वहाँ जो है राशन पानी या ठंड से बचने का सामान उपलब्ध करा रहे हैं। आशुतोष, अगर मैं सुल्तानपुर की बात करूं तो वहां बीआईपी एरिया को छोड़कर या मुख्य जगहों को छोड़कर आउटर्स में कैसी व्यवस्था है, फिर चाहे वो रैन बसेरे को लेकर हो या अलाव को लेकर हो? जी बिल्कुल, आपको बता रहे कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज ऐसी है वहाँ व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, चाहे वो नगर पालिका से संबंधित चीज हो या फिर आम जनता का जो समाज सेवी अलग कार्य कर रहे हैं वो भी जो है कुछ जगहों पर नहीं पहुंच पा रही, उनको भी ये चीज जो है देखना चाहिए जहाँ पर जो है व्यवस्था ये चीज मिल सके। आशुतोष, अस्पतालों में कैसी व्यवस्था देखी जा रही है, क्योंकि अब ठंड बढ़ी है तो कहीं ना कहीं सांस के मरीज जो होते हैं या कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ती हैं, तो कैसी व्यवस्था अस्पतालों में देखने को मिल रही है? और वहां पे रैन बसेरे बनाए गए क्योंकि व्यवस्था में जो है वहाँ पे जो है आपके एम्बुलेंस वाले जो है जगह घेर लेते हैं, बाहर के मरीजों के या उनके साथी जो आते हैं उनको जगह मिल नहीं पाती लेटने बैठने की व्यवस्था को लेकर। जी धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।